हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो मटेरियल्स होते हैं, थर्मोसेट मटेरियल होता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम बहुत टाइप्स के मशीनों से इसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन एंड लिमिटेशन के साथ जानेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जानते हैं ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग में क्या होता है कि ब्लो मोल्डिंग में एक हालो सिलेंडर होता है जिसको बैरल बोलते हैं। इसके अंदर स्क्रू फिट रहता है, ठीक, स्क्रू फिट रहता है। तो इसमें मटेरियल डालते हैं, ये हॉपर होता है, मटेरियल डालते हैं, उसके बाद से स्क्रू घूमता रहता है। मटेरियल इसमें एक उचित टेम्परेचर देते हैं, उसी टेम्परेचर पे जब मटेरियल आ जाता है उसके बाद से क्या करते हैं कि स्क्रू से उसको शॉर्ट करते हैं, स्क्रू घूमना बंद हो जाता है और आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है या घूमते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, या स्क्रू को आगे तरफ फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें से जो मटेरियल निकलता है परजिंग उसको बोलते हैं, पेरिजन बोलते हैं। जो मटेरियल निकलता है पेरिजन बोलते हैं इसको। तो ये मटेरियल ऐसे गिरता है तो नीचे मोल्ड रहता है, जिस भी डिज़ाइन का हो मोल्ड रहता है। इसमें दोनों मूवेबल होता है, दोनों आगे पीछे जा सकता है, दोनों मूवेबल होता है। और इसमें जो मटेरियल गिरता है इसमें आगे डाई लगा रहता है, आगे एक डाई लगा रहता है जिसके थ्रू जब गिरता है तो बीच में हॉलो हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ट्यूब के जैसा गिरता है, ऐसे मटेरियल गिरता है। और ये मटेरियल जब गिरता है नीचे, जब यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ पे वेंटिंग होता है, यहाँ से एयर प्रेशर फील करने का जगह होता है, जिससे जब मोल्ड क्लोज होने के बाद से फिर से इस एयर को इसमें पास करते हैं। जब एयर जाता है तो ये फैल जाता है चारों तरफ, ये जो शेप रहता है उस जितना ये अंदर तक जो भी शेप गया रहता है उसमें फैल जाता है, और फैलता है तो वही शेप ले लेता है। इसमें बॉटल बनाना हो या फिर टैंक बनाना हो तो ये सब हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, ये होता है मेरा ब्लो मोल्डिंग। ठीक, ब्लो मोल्डिंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन लिमिटेशन। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को कई प्रकार के मशीनों से प्रोसेस किया जाता है। ब्लो मोल्डिंग पहले जानते हैं डिस्क्रिप्शन में। एन एक्सट्रूडेड पेरिजन ट्यूब, एक एक्सट्रूडेड पेरिजन मैं अभी बताया, ऑफ हीटेड थर्मोप्लास्टिक इज पोजिशन बिटवीन टू हाल्व्स ऑफ एन ओपन स्प्लिट मोल्ड एंड एक्सटेंडेड अगेंस्ट द साइड ऑफ द क्लोज मोल्ड वाया एयर प्रेशर। द मोल्ड इज ओपनड एंड द पार्ट इजेक्टेड, लो टूल एंड डाई कास्ट एंड एबिलिटी टू मोल्ड फेयरली हालो शेप इन वन पीस, एक ही पीस बनता है इसमें। ठीक है, और लिमिटेशन होता है जनरली लिमिटेड टू हॉलो और ट्यूबुलर पार्ट्स, सम वर्जेटाइल मोल्ड शेप्स अदर देन बॉटल एंड कंटेनर्स इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस टाइप के मशीन में। ओके दोस्तों, थैंक यू।